टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग बंदों ने अलग अलग थॉट दी थी। दो थ्योरी इसमें आती हैं, क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो है ट्रेडिशनल थ्योरी है, मींस 19th सेंचुरी में जो बात चलती थी भी हमारी मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से, उसके लिए बताया गया उसमें। इसमें क्लासिकल थ्योरी में तीन चार बंदे हैं, हेनरी फॉयल हैं, एक उन्होंने लिया, उसके बाद होथर्न भी पर्सन है, वो दिया है। तीन चार बंदे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से बताया कि मैनेजमेंट किस हिसाब से थी 19th सेंचुरी में। क्लासिकल थ्योरी जो आपकी डिपेंड करती है वो ये सोचते हैं कि अगर इम्प्लॉइज को इंसेंटिव या फिर गिफ्ट वगैरह दिए जाएं तो वो आपको काम ज्यादा करके देंगे। उसके अलावा इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया था। जो क्लासिकल थ्योरी थी वो सिर्फ कंपनी अपने बेनिफिट के लिए ही सोचती थी। जो न्यू क्लासिकल थ्योरी थी वो सोचते हैं कि इम्प्लॉइज को बेनिफिट के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी बेनिफिट दिए जाएं तो हमें फायदा उतना ज्यादा होगा, मींस मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकती है। हम दोनों थ्योरीज को अलग से ही पढ़ते हैं थोड़ा सा डीपली जाके। आपको क्वेश्चन आ सकता है मैनेजमेंट के ऊपर क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी लिखी, या कई बार पूछ लेते हैं क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या है, तो हमें 10 नंबर में क्वेश्चन डिफाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरी। आपका पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है 74 से। क्लासिकल थ्योरी सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन कॉल्ड द ट्रेडिशनल थ्योरी। इसमें कहता है सिस्टम के हिसाब से बताया गया भी मैनेजमेंट की स्टडी कैसे हुई थी, वो ट्रेडिशनल थ्योरी है, 19th सेंचुरी में हुई थी। इसका जो प्रोटोकॉल टाइम्स है वो है 19th सेंचुरी, मींस जो 19वीं सदी चल रही थी उसमें। इसमें जो बंदे इंक्लूड थे टेलर, फॉयल, वेबर, लूथर गोलिक और लिक मनी, ये कुछ पर्सन थे जिन्होंने इसमें डिफाइन किया भी क्लासिकल थ्योरी में मैनेजमेंट क्या होती है। भी हमारे हिसाब से मैनेजमेंट होनी चाहिए तो इस हिसाब से होगी। क्लासिकल थ्योरी देखो, इन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हैं अभी कौन कौन चीजों को फॉलो करती है। क्लासिकल थ्योरी लेड इम्फेसिस ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर स्केलर फंक्शनल प्रोसेस एंड स्पैम ऑफ कंट्रोल दे कंसंट्रेट ऑन द इकोनॉमी ऑफ फॉर्मल। जो क्लासिकल थ्योरी है ना वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर्मल का मतलब होता है भी जो रूल एक बार बन गए उनको चेंज नहीं करना, मतलब कि जो गाइडलाइंस हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आ जाएंगी उनको सभी के ऊपर लागू कर दिया जाए। कंपनी में जो एक स्ट्रक्चर मीन्स लेबर के लिए बनाया गया है वही चलेगा। लेकिन आज की थ्योरी चल रही है वो न्यू क्लासिकल थ्योरी है। इन दोनों में डिफरेंस साथ में ही क्लियर कर देते हैं क्योंकि कई बार आपको डिफरेंस आता है। न्यू क्लासिकल थ्योरी में क्या है, अगर कई बार ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ मैनेजमेंट ही बनाएगी, जो लोग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो इम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनसे भी पूछा जाता है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, उनसे पूछा जाता है कि कोई काम में चेंजेस करने से आपके हिसाब से हमें कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। कई बार कोई इम्प्लॉइज भी हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज प्रॉपर होती है तो वो चेंजेस उनके हिसाब से भी कर दी जाती हैं। उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मींस कंपनी वाले खुद ही बनाते हैं या मैनेजमेंट बनाती है। डिसेंट्रलाइज्ड में होता है कि जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट इम्प्लॉइज के साथ मिलकर भी कुछ रूल्स बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया क्लासिकल थ्योरी इम्फेसिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज दे इग्नोर द रूल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। जो क्लासिकल थ्योरी है इस मान के चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन हर एक एक्टिविटी में होगा तो काम एक तरीके से हो सकता है। ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल दूर किया जाता है, मींस हमारी जो मींस जो इच्छाएं हैं, जो काम करने हम चाहते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज मिले, उन चीजों को इग्नोर करती है क्लासिकल थ्योरी 19th सेंचुरी वाली। 19th सेंचुरी में के काम जो था जबरदस्ती लेबर से ही करवाया जाता था, वो सोचते सिर्फ इनको गिफ्ट देना और गिफ्ट से ही इनका सेटिस्फेक्शन लेवल है, कोई त्यौहार है तो गिफ्ट दो काम हो जाएगा। लेकिन आज की जो थ्योरी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसमें ह्यूमन एलिमेंट्स को साथ में लिया जाता है। कोई भी बंदा कंपनी में आ रहा है उससे उसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उनका फैमिली स्टैंडर्ड पूछा जाता है, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपका मेन आगे फर्दर स्टडी करना है या नहीं करना। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं खुद अपने इम्प्लॉइज को बोलते हैं स्टडी करो और आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास रुके रहो। बहुत सारी कंपनीज ऐसे मोटिवेट भी करती हैं। तो उनका कारण ये होता है कि उनको ये होता है कि हमें मोटिवेशन के साथ ये इम्प्लॉई बेटर करके देगा, लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट्स इंस्टीट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज क्लोज्ड सिस्टम। क्लासिकल जो थ्योरी थी वो हमेशा ये सोचती थी कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है कंपनी के बाहर का वातावरण, कुछ भी हो, कुछ भी चेंजेस आए, गवर्नमेंट कोई रूल चेंजेस करे, कुछ करे, वो इम्प्लॉयज के ऊपर कुछ भी लागू नहीं करते थे। वो सोचते थे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है, एक बार जो चीज बन गई वही वैसे रहने वाली, हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आज के टाइम में जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करते हैं सबसे पहले ही हमारी कंपनीज के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। कोई वेज रेट सेट हुआ,
या टाइम रेट सेट हुआ, या कैसे कोई इंसेंटिव देनी है, पीएफ में कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करना है, तो सभी कुछ जो है कंपनीज को अपने आप से लागू करना पड़ता है, वो न्यू क्लासिकल थ्योरी में आ जाता है। ठीक, फिर आपके पास एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ईच इंडिविजुअल एफिशिएंट। क्लासिकल थ्योरी ये भी बोलती है, कहता ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहता जो इंडिविजुअल की एफिशिएंसी लेवल है उसको बढ़ाओ, बस जो इम्प्लॉयज हैं उनको आप कुछ ना कुछ संतुष्ट करो, जैसे गिफ्ट वगैरह देके। लेकिन क्लासिकल न्यू क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि एफिशिएंसी हमेशा जो है जो न्यू रूल्स होंगे उनको अप्लाई करके होगी, उनकी सेटिस्फेक्शन इंप्लॉयज की तो चाहिए चाहिए, सिर्फ गिफ्ट के लिए नहीं चाहिए, उनको उनकी मेडिकल फैसिलिटीज या फिर उनके हेल्थ के बेनिफिट्स, जो भी इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड साथ में किए जाए, प्लस उनकी फैमिली की केयर भी साथ में की जाए, तो इजिली बेस पे फायदा हो सकता है। द इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव थ्रू द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल मैकेनिज्म, दिस इज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज ऑफ अथॉरिटी। इसका पॉइंट ये बोलते हैं कि कंपनी के जो लेवल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव जो है अथॉरिटी से किए जा सकते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अथॉरिटी सेट कर दें, रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दें, तो कोई भी काम हो जाएगा। लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरी इस पे अटेम्प्ट नहीं करती, बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाने जरूरी हैं, उनको अचीव कैसे करना है जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जैसे हमने सेट कर दिया या फिर हमारी कंपनी ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने सेट कर दिया वैसे अचीव हो जाएगा। अगर हम माने कि हमारे साथ जो लोग मिले हों उनको फैमिली मेंबर बना के काम करवाएं और उनके भी रूल्स जो है अपने कंपनी में अप्लाई करें, तो हमारा काम जो आगे बढ़ सकता है। देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल। वैसे तो कहता कंपनी और जो इंडिविजुअल जो काम करते हैं इंप्लॉयज वगैरह, उनमें कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता ही नहीं है। अगर कोई झगड़ा होता भी है तो कहता क्लासिकल थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी तो वैसे ही सॉल्व हो जाता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कोई इंप्लॉयज में मान लो कि झगड़ा आता है तो इंप्लॉयज के पास पूरी खुली छूट है, वो बाहर जाके केस वगैरह भी लगा सकता है, कोर्ट में भी सॉरी अपील कर सकता है। तो मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लॉयज को अलग से मिले हुए हैं। लेबर एक्ट जैसे हम बोलते हैं हमारी कंपनीज में सभी लेबर जितने भी काम करते हैं उनके लिए लेबर एक्ट भी बना हुआ है, वो अपनी फैसिलिटीज के लिए आगे अपील भी कर सकते हैं। द पीपल एट वर्क कुड बी मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमिक रिवॉर्ड सच एज दे आर सपोज्ड टू बी रेशनल इकोनॉमिक पर्सन्स। जो कंपनी में काम करते थे वो उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड दिया जाता था सिर्फ पैसे से ही, जैसे कोई मान लीजिए कोई त्यौहार आया, अपने अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देते हैं, साउथ में है तो वो धोती से वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं दिवाली वगैरह पे, हमारे यहाँ पे हुआ तो कोई गिफ्ट जैसे बोनस वगैरह पे कर दिया, किसी अलग हरियाणा हरियाणा में हुआ तो उनके जो ड्रेसेस टाइप स्टाइल है उनको वो पे कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बोनस के साथ आपको काफी कुछ मोटिवेशन लेवल दिया जाता है, जैसे कि बोलें किसी प्रमोशन वगैरह भी करते हैं साल बाद, हर एक की परफॉर्मेंस को मेजर करके अचीवमेंट सबको एक जैसा नहीं देते, सबको अलग अलग जैसा उसका परफॉर्मेंस लेवल, फिर उसमें कोई बंदा ऑब्जेक्टिव करना चाहता है तो उसको उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी दिखाई जाती है। न्यू क्लासिकल थ्योरी में भी हर एक बंदे की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करो, उसको उसका रिजल्ट दिखाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो दूसरे बंदे को देख के एक्स्ट्रा अचीव करने की कोशिश करे, जब वो एक्स्ट्रा अचीव करेगा तो उसका फायदा कंपनीज को ही होने वाला है। ये थे दोनों थ्योरीज में आपके डिफरेंस, जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लासिकल थ्योरी में आपके पास जो अप्रोच आ रही है, अभी सिर्फ क्लासिकल थ्योरी के बारे में ही तीन चार अप्रोच दी गई हैं, अलग अलग पर्सन ने इनको अप्रोच को बताया था, अभी क्लासिकल थ्योरी में ये बंदे अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बताए थे भी ये चीज होगा तो काम हो सकता है। क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहले अप्रोच जो आ रही है वो आ रही है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच जो इंट्रोड्यूस की गई थी टेलर एक पर्सन था, अंग्रेज था, उसने 1865 से 1915 तक वो बंदा रहा, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी, कहता अगर हम कंपनीज में साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके आते हैं तो हमारी कंपनी जो है बेटर काम कर सकती है। इन्होंने लिखा हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लोग जो है अपने काम को साइंटिफिक तरीके से करने के तरह काम करने लगे। तो कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे भी हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल थे साइंटिफिक अप्रोच के। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उन्होंने ये बोला था कि साइंस हम किसी भी थंब रूल नहीं है, मतलब हम बोले कि ये एक्चुअल में जो चीज बोल दी वही चीज मानी जाएगी, सिर्फ मैनेजमेंट को लेके आना था। बहुत सब लोग ऐसे होते स्टडी कर लो साइंस की हम काम कर लेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन वो बोलता था कि अगर कंपनी में साइंटिफिक रूल अप्लाई कर दें तो फायदा उसका हमें हो सकता है। भी लेबर जो है ग्रुप में काम कर रही है, अगर उनको हम कम कर दें साइंटिफिक रूल अप्लाई कर दें तो हमें फायदा हो सकता है। सेकंड उन्होंने लिखा हार्मनी इन द ग्रुप एक्शंस रेदर देन द डिस्कॉर्ड्स, अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कहता हार्मनी ज्यादा होगी, मीन्स नुकसान ज्यादा होंगे। ये साइंटिफिक अप्रोच इस चीज को भी बोलती थी, अगर कहता हम अलग इंडिविजुअल से काम करवाएं या फिर मशीनों से ज्यादा काम करवाएं तो हमें फायदा हो सकता है। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट को भी उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम आउटपुट मत करो, हमारी आउटपुट जो है वो कम होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज पहले से भी ये सोचती थी कि जितना ज्यादा हम उत्पादन करेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच आने से ये होगा कि
आउटपुट उतनी ही की जाए जितना हमारे पास मार्केट में डिमांड है। उससे ज्यादा करोगे तो कोई फायदा नहीं होना। बहुत सारी कंपनी ऐसे बोलते हैं जितना ज्यादा लेबर रखोगे उतना हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, उतना हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ न्यू वर्कर, जो न्यू वर्कर्स आएंगे उनकी सिलेक्शन भी प्लस उनकी प्लेसमेंट भी प्लस उनको ट्रेनिंग भी, वो भी साइंटिफिक तरीके से दी जानी चाहिए। मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्कर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर्स। जितने भी वर्कर्स या फिर कंपनी में मैनेजमेंट लेवल में जो सुपरवाइजर कुछ भी पर्सन आएंगे उनमें कहता इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, सबको इक्वल समझा जाए मैनेजमेंट में। इसको करने से कुछ नुकसान भी होते क्योंकि मैनेजमेंट में जो वर्कर्स या फिर मैनेजर्स होते हैं उनको सबको एक जैसा नहीं, जमीन को उनको सैलरी एक जैसी कर नहीं कर सकते थे या बेनिफिट या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी सेटअप नहीं होती। तो लेकिन साइंटिफिक अप्रोच इन चीजों के ऊपर डील करती थी, कहता सबको इक्वल समझ के ऐसा काम करवा दिया जाए। इनके कुछ 3 इम्प्लीकेशन भी थे। टेलर कहता ये भी बोलता था कि इसको मेंटल रेवोल्यूशन भी बोला जाता था। टेलर जो पर्सन था वो अपने हिसाब से ही कुछ बोलता था उस, क्योंकि जो उसको सही लगा उसने अपने हिसाब से बोला। इस टाइम पीरियड को बोला गया कि मेंटल रेवोल्यूशन है। मेंटल रेवोल्यूशन का मीन्स जो उसका दिमाग बोलता था वो सिर्फ उसने उसी हिसाब से बताया था। इसके 3 इम्प्लीकेशन बताए। सबसे पहले ऑल आउट एफर्ट फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये जितने भी उसने कहता एफर्ट्स किए थे कंपनी में साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किए थे। मींस कंपनी में प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए भी हमें फायदा इसका इस तरह से हो सकता है। दूसरा क्रिएशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अपना म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी हमें लगता है भी ये काम करने से फायदा होगा। कॉन्फिडेंस था उस बंदे के अंदर भी, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट में लेके आता हूं तो मुझे ये फायदा कंपनी में हो सकता है। इनकुलेटिंग एंड डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। वो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको साइंटिफिक तरीके से ही सॉल्व किया जाए तो हमें उसका फायदा ज्यादा होगा। साइंटिफिक अप्रोच करने के कुछ कहता, देखो उन्होंने आगे पेज पे दिए भी हैं कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें कहता फॉलो भी की गई। टेलर के हिसाब से कहता उसने कुछ टेक्निक्स को बताया भी, आप इन टेक्निक्स को लागू कीजिए। सबसे पहले साइंटिफिक टास्क सेटिंग द डिटरमाइन ए फेयर डेज वर्क। अगर कहता आप साइंटिफिक तरीके से काम करवाएंगे जो काम हमारा 20-25 दिन में होता है उसका कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वर्क स्टडी फॉर सिंपली वर्क एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। वर्क की जो स्टडी होगी उसको भी बहुत तरीके से आसानी से समझ लेंगे हम और उसको कंप्लीट भी इजीली बेस पे किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल टूल इक्विपमेंट एंड कॉस्टिंग सिस्टम। हमारी कंपनी में कॉस्टिंग का जो सिस्टम जो कॉस्ट ज्यादा होती है जो टूल को सेट करके कहाँ पे रखना है और मटेरियल को कैसे हमने मंगवाना है ऑर्डर लगाना है इसमें भी कहता हमें फायदा हो सकता है अगर हम साइंटिफिक मेथड से चलेंगे। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स सिलेक्ट होंगे उनको ट्रेनिंग जो है साइंटिफिक तरीके से दी जाए उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। स्पेशलाइजेशन इन प्लानिंग एंड ऑपरेशन थ्रू फंक्शनल फॉर्मरशिप। अलग अलग काम में जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए। मीन्स अलग अलग रूल डिपार्टमेंट में जो रूल्स हैं वो फॉर्मल होने चाहिए। फॉर्मल का मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो रूल बनाए वो अप्लाई हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए। ये नहीं कि वो जो बंदा वहां पे हमने रखा है वो रूल बनाएगा वो काम करेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड रेशनलाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल। जहां पे हमें लगता है भी हमारा कहीं पे वेस्टेज हो रहा है उन चीजों को एलिमिनेट किया जाए, मीन उन चीजों को हटाया जाए हमारे सिस्टम में जो है कंट्रोल को रेशनो में किया जाए। हर एक बंदे की जिम्मेवारी सेट की जाए भी हमारा जो कंट्रोल है काम का इस बेस पे होगा। रिपोर्टिंग सिस्टम को मीन सेटअप करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जहां कुछ वो फायदे किनारा था वहां पे कुछ उसके नुकसान भी थे। सबसे पहले नुकसान इसमें आ रहा है कि यूज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट्स एक्चुअली मीन्ड बाय द साइंटिफिक मैनेजमेंट नथिंग बट इज साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसको करने का मतलब ये था सिर्फ साइंटिफिक रूल अप्लाई करने था, एक्चुअल में साइंस की जो स्टडी थी उसको फॉलो किया ही नहीं जाता था। इसमें वो बंदा बोलता था कि जो मैंने रूल बना दिए वो एक्चुअल में बिल्कुल सही है। वो कंपनी में काम करें या न करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि सारे रूल एक ही बार में अप्लाई करना वो फायदेमंद नहीं होते थे। तो एक उसकी पर्सनल साइंटिफिक अप्रोच थी उसको ऐसा लगता था, लेकिन ये मैनेजमेंट में अप्लाई करना कहता पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हम क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। दूसरा टेलर एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मरशिप टू ब्रिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन बट देयर इज नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिस। टेलर ये बोलता था कि हम हर एक चीज में स्पेशलाइजेशन लेके आ जाएं, लेकिन ये प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि कागज में रिकॉर्ड बनाना मैं बैठ के बोलूं भी आज मैं 14 चैप्टर पढ़ा दूंगा तो मुझे पता है जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो कैसे होंगे 14 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकते। या तो मैं सिर्फ सबके नाम बता दूं ये चैप्टर में ये चैप्टर में ये, आप खुद पढ़ लीजिए फिर तो वो बात होगी ओवरव्यू दिया और खत्म हो गया। मींस वो कहने का मतलब तभी साइंटिफिक अप्रोच में आप स्पेशलाइजेशन तो लेके आ जाओगे लेकिन जब एक्चुअल में काम करना पड़ेगा तो वो नहीं हो सकता। दूसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट इज प्रोडक्शन सेंट्रल एज इट्स कंसिडर्ड टू मच द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर अंडरमाइन द ह्यूमन फैक्टर इंडस्ट्री। थर्ड में उन्होंने बताया प्रोडक्शन सेंटर इज कंसिडर्ड टू मच टेक्निकल एस्पेक्ट्स वर्कर अंडरमाइन द ह्यूमन फैक्टर इंडस्ट्री।
थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं उनको टेक्निकल बेस में वो काम करवाने की बोलने लगे, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को बिल्कुल दूर किया जा रहा था। वो कहते थे कि जितना हम साइंटिफिक या फिर मशीन बेस पे काम करेंगे उतना हमें ज्यादा फायदा होगा, ह्यूमन फैक्टर को ज्यादा दूर करने। मीन्स जैसे उन्होंने पहले बोला ग्रुप एक्टिविटी की हमें जरूरत ही नहीं है, जहां पे 15 बंदे काम कर रहे हैं वहां पे मैं एक मशीन ले आऊँ वो ग्रुप एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन हमें चाहिए नहीं, अगर मशीन्स आएंगी तो उनको चलाने के लिए भी तो ह्यूमन्स चाहिए। तो उनका मैंने मतलब जहां पर वो फायदे ही गिना था, इसका नुकसान ये भी कि आप ह्यूमन्स को दूर करके किसी चीज को काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। साइंटिफिक मैनेजमेंट इग्नोर सोशल फिसाइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स। ये मैनेजमेंट जो है वर्कर्स की, चाहे वो सोशल नीड्स हैं चाहे उसके अपने फिसाइकल नीड्स हैं, उनको इग्नोर करता था। ये भी इसकी क्रिटिसिज्म है। ट्रेड यूनियंस रिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द मीन्स टू एक्सप्लोइट द लेबर बिकॉज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर नॉट इंक्रीज इन डायरेक्ट पोर्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। यूनियन जो जैसे वर्कर की यूनियंस बन जाती हैं, वो ये चीज मान के चलते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में अगर वर्कर का जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो एज पर प्रोडक्शन इंक्रीज के हिसाब से नहीं होता है, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को वो भी इग्नोर करते हैं। कहते वर्कर को तो इंक्रीमेंट उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से होना चाहिए ना, जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उनकी भी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए या इंक्रीमेंट कुछ भी होना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था, सिर्फ इंक्रीमेंट्स प्रोडक्शन का तो हो जा रहा है लेकिन वर्कर्स का इंक्रीमेंट वगैरह नहीं होता, तो मीन्स वर्कर्स की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती। जैसे बोलो 1 साल बाद इंक्रीमेंट चाहिए तो वो चीजों को इग्नोर किया जाता था। दूसरी अप्रोच आई है वो हमारे पास आई है मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। ये जो अप्रोच दिखाई गई वो एक पर्सन था हेनरी फॉयल, उसने बोला था कि अगर हम मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल लेके आए तो हमारी मैनेजमेंट जो है बेटर हो सकती है। इस बंदे ने देखो बताया भी है, हेनरी फॉयल जो पर्सन था वो 1941 में पैदा हुआ था फ्रांस में। उसके माइंड से जो जैसे उसने थोड़ी बहुत स्टडी की उसके बाद उन्हें स्टडी में बताया कि एक्चुअल में वो क्या था, वो इंजीनियर पर्सन था, इंजीनियर था, उसका दिमाग मैनेजमेंट में चलता, तो उसने अपने हिसाब से एक बुक भी शायद लिखी है। तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट में क्या था, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हमने पीछे एक लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ना, अभी हेनरी फॉयल के हिसाब से मैनेजर के क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, हेनरी फॉयल के अकॉर्डिंग मैनेजर को क्या क्या काम करता है। तो वो बोलता है कि मैनेजमेंट में ये सारी एक्टिविटीज होंगी तो इजिली बेस से कहता मैनेजमेंट में हमें फायदा हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन लेवल प्लस कंपनी का प्रॉफिट लेवल इंक्रीज हो सकता है। जिसने लिखा है टेक्निकल एक्टिविटीज, टेक्निकल एक्टिविटीज किस में होनी चाहिए, सिर्फ कहता प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन। हमने प्रोडक्शन करना है या कोई चीज बनाना है उसमें टेक्निकल एक्टिविटीज लेके आओ आप। कमर्शियल एक्टिविटीज, बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज, कौन सा सामान खरीदना है, किस चीज को बेचना है या फिर किस चीज को बदलना है चेंज करना है, उसमें क्या था कमर्शियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। कमर्शियल मतलब में जो मैनेजमेंट में बंदे हैं वही उस बंदे, ये मशीनें नहीं काम कर सकती, मशीनें एक दूसरे को बदलेंगे, आज मशीन उठा के चलेगी दूसरी मशीन, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये कमर्शियल क्या था आपकी एक्टिविटीज काम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, आपके काम में जब मैनेजमेंट में कहता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, सच एज ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, जो कंपनी ने पैसा लगाया है उसको प्रॉपर तरीके से अगर यूज करेंगे मैनेजमेंट में तो आपकी मैनेजमेंट जो है बेटर होगी। सिक्योरिटी एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पर्संस, अकेली प्रॉपर्टी को कहता आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते, मीन्स कंपनी के जो एसेट्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, जो पर्सन नहीं है पर्संस की भी सिक्योरिटी की जाए, जैसे कि उनको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना या फिर जो काम के टाइम पे उनको सेफ्टी टिप्स जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करना। अकाउंटिंग एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी में स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स, आपके काम का पूरा अकाउंट्स होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड बनना चाहिए, जिससे क्या रिपोर्ट सबको मिलेगी तो आप क्या था मैनेजमेंट बेटर तरीके से कर पाएंगे। मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्या चीज की प्लानिंग करनी है, किस बंदे को रखना है, किस जहां पे रखना है, कंट्रोल कैसे करना है, ये भी आपके कहता मैनेजमेंट में होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी के कहता मैनेजमेंट ये 6 चीजों को फॉलो करती है तो बेस्ट मैनेजमेंट मानी जाएगी। हेनरी फॉयल के जो रूल्स हैं वो बेस्ट रूल है। फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसने ये क्या क्या प्रिंसिपल, सबसे पहले बोला डिवीजन ऑफ वर्क, हर एक बंदे को एज पर उसकी स्पेशलिटी उसको डिवीजन होना चाहिए। किसी बंदे को कंप्यूटर का काम आता है तो उसको कंप्यूटर में रखा जाए, जिसको फाइनेंस का आता है तो फाइनेंस का रखा जाए। ये नहीं कि फाइनेंस वाले बंदे को आप बोलोगे लेबर कर लो, लेबर वाले बंदे को बोलो कि आप मशीन वगैरह चला लो, वैसा ना हो, एज पर बंदे की जो स्पेशलाइजेशन है उसको वही काम दिया जाए। ये इसके हेनरी फॉयल मैनेजमेंट के अप्रोच के फायदे हैं, जब इसके पॉइंट हम बोल सकते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बंदे को कहता जब हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी ही होता है, आगे किसी बंदे से काम करवाना उसको जिम्मेवारी देना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कहता हर एक बंदे के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल सेट होना चाहिए। अथॉरिटी हर एक बंदा नहीं देगा, कुछ बंदों के हाथ में ही अथॉरिटी देने का काम होगा,
जैसे कि सुपरवाइजर्स होंगे या फिर मैनेजर्स होंगे, वो अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जो लीडरशिप जो होगा, जो लीडर पर्सन होगा या फिर एम्प्लॉयज में जो हमने एक ऑपरेटर बना देते हैं उनको हम लीडरशिप स्टाइल में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे। डिसिप्लिन, जो भी काम होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन में होगा, तो मैनेजमेंट ज्यादा फायदे में हो सकती है। मीन्स कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं वो सबको फॉलो करवाने जरूरी है। जैसे कि बोलते हैं 5S, 5S क्या होते हैं, 5 सिक्योरिटी के लिए होते हैं। हर एक कंपनी में लिखे होते हैं रूल्स, अलग अलग एस में, उनके नाम अभी मुझे माइंड में नहीं है, शायद आपको अभी नेट से देख लेंगे। 5S रूल्स, हर एक कंपनी के रूल्स बने होते हैं, वो आपके सिक्योरिटी बेस पे होते हैं, तो सभी को फॉलो करने के तहत जरूरी है कंपनी में। यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक बंदे के बाद कैसा यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने, उससे कॉन्फ्लिक्ट कभी भी झगड़ा नहीं होगा। हमें ये पता होगा कौन बंदा जो है हमें कमांड देगा और हमें काम करना है। जैसे मशीन में होता है पता है बटन दबाओगे मशीन चलेगी, सेम कंपनी में आता होता है एक ऑपरेटर या फिर लीडर रखा जाता है, वो बंदा अपने ग्रुप को बताता है कि हमने ऐसे काम करना है, तो उसमें हमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। फिर आपके पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, काम करने के लिए यूनिटी भी होनी चाहिए। मीन्स किस डायरेक्शन में हमने काम करना है, डायरेक्शन वाले पर्सन मैनेजर से ही होंगे, वो आपको डायरेक्शन बता देंगे। जब भी आपकी मान लो किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो, स्टाफिंग होती है, तो वो आपको काम करने का एक नजरिया बता देते हैं कि आपको इस दिशा में काम करना है। जहां जहां पे आप अचीवमेंट करोगे आपको आगे भी वो पढ़ाते हैं। इम्फेसिस ऑन सबऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट और जनरल ऑन कॉमन इंटरेस्ट, हमेशा कहता इस चीजों के ऊपर दबाव डाला जाने की हम सबऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सब लोग आपस में मिलके पर्सनल जो इम्पैक्ट है हर एक बंदे के जो आपस में जो रूल्स हैं वो मिलने चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ना रंग के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोगों को एक जैसा समझ के कंपनी में काम करवाया जाए। रेमुनरेशन, हर एक बंदे को कहता फेयर पे मिलनी चाहिए, किसी का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मत करो भी, हर एक को बंदे को रंग के हिसाब से या कुछ भी ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूशन मत करो। जब कंपनी में कोई एम्प्लॉई सेटअप हो रहे हैं तो रूल्स बनाए, स्टार्टिंग सैलरी इतनी है तो सबको उतनी ही मिलनी चाहिए। साल भर जो भी मीन्स आपका प्रमोशन होना है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा वो। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन भी होना जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन मैंने पहले ही बोला, अभी जो भी कंपनी सेंट्रलाइजेशन में काम करेगी रूल्स जो है कहता वो कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही बनाएंगे, वो अप्लाई सबके पास ही होंगे। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब होगा कि हमारी कंपनी में हायरार्की लेवल होना चाहिए, कौन सा काम किस बेस पे चल रहा है। एक काम को करने के लिए ग्रुप ना बनाया जाए, कोई काम स्टार्टिंग में मान लो एक मशीन कर रही है तो दूसरी मशीन उसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए, तीसरी मशीन लास्ट में वो काम खत्म होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में आज के टाइम में देखो स्किलर चेन नहीं चलता है। प्रोडक्शन में क्या होगा, जो काम एक स्टार्टिंग में बैठे ना, जो टॉप में स्टार्ट होना है वो सबसे आगे बैठे होते हैं, उनका काम कंप्लीट होगा अगले बंदे तभी काम कर रहे होते हैं। तो मतलब कोई भी बंदा फिर फ्री नहीं बैठता, एक काम को कंप्लीट करने के लिए अगला बंदा पहले ही रेडी बैठा होता है, वो बंदा काम कंप्लीट करेगा फिर दूसरा। सेम यही मैनेजमेंट में बात करें, टॉप मैनेजमेंट रूल बनाएगी तो मैनेजमेंट आगे फॉलो करवाएगी, वो स्केलर चेन ही हो जाती है। ऑर्डर, आपके काम में कहता हमेशा ऑर्डर्स भी होने चाहिए। विदाउट ऑर्डर मीन्स कोई भी साउंड के बिना कोई बंदा काम नहीं करता। अगर कोई बोला भी आप ऑर्डर्स नहीं होंगे, हर एक बंदे को बोला ऐसे ही काम कर लो, तो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट में ऑर्डर्स भी होने चाहिए, आप किसी बंदे को काम करने के लिए उद्देश्य भी दे सकते हैं। उसके बाद इक्विटी, कंपनी में जब भी कोई काम होगा हमेशा ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए, इक्विटी मेंबर्स होने चाहिए। इक्विटी मेंबर्स हर एक बंदे को उनका फैमिली की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। वैसे तो इक्विटी एक तरह की शेयर कैपिटल होती है, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ज्वाइंट मेंबर्स में बात होना चाहिए। इक्विटी जितना ज्वाइंट मेंबर ज्वाइंट वेंचर में काम करेंगे उतना जल्दी काम हो सकता है। ज्यादातर साइंटिफिक लगाएंगे भी, मशीन्स लेके आ जाओ, मेंबर्स होंगे नहीं तो गड़बड़ क्रिएट हो सकती है, मिलके काम करवाना जरूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर्स, हमेशा कहता हमारे काम में जो है टेनर्स की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास ड्यू कोर्स होना चाहिए भी, कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है, इतने टाइम करने में कंप्लीट करना है, फायदे और नुकसान भी हमें बताने चाहिए। बिना किसी टाइम या उद्देश्य के कोई काम कंप्लीट करोगे तो उसका नुकसान हमें ज्यादा होने वाला। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, हमेशा हमारे पास जो स्पिरिट होनी चाहिए वो कोऑपरेशन की होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पे कोई काम की प्रॉब्लम आ रही है तो कोऑपरेशन वाला बंदे उसमें साथ में होने चाहिए। मींस कोई काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना तो फटाफट कंप्लीट भी करवा दिया जाए। इनिशिएटिव, हमेशा बंदे जो होते हैं हमें इनिशिएटिव और क्रिएटिव थिंकिंग वाले होने चाहिए। जो बंदे कोई मान लो ऐसा बंदा है उसको आगे लिया जाए, मान लो हमारी लेबर्स में फोर्स में कोई ऐसा पर्सन निकल के आ रहा है जो कुछ अलग से कर सकता है, उसको आगे लेके आओ, उसको आगे लेके आओगे तो मैनेजमेंट में हमें फायदा ज्यादा देगा। अगर आप उस बंदे को दबाओगे तो मैनेजमेंट में कोई फायदा नहीं, तो हम इक्वल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर है आपके पास क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनल अप्रोच, इसके कुछ इन्होंने फंक्शनल अप्रोच के कुछ नुकसान भी बताए हैं। सबसे पहले लिखा है देयर इज नो सिंगल क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एक्सेप्टेबल, कहता है यहाँ पे कोई सिंगल क्लासिफिकेशन नहीं बताई उन्होंने मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए काफी पॉइंट बता दिए गए, ये उलट ही उन्होंने उसमें ले लिए, वैसे क्रिटिसिज्म तो नहीं बनता। अगर मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट्स आते हैं तो मैनेजमेंट बेटर ही मानी जाती है, लेकिन उन्होंने क्रिटिसिज्म में लिया है कि
अगर कहता कोई एक फंक्शन बता दें तो मैनेजमेंट प्रॉपर देख सकेगी, कहता मैनेजमेंट इतने काम करेगी तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट में इतने काम होने जरूरी है, आज के टाइम में ऐसे ही काम होते हैं। द फंक्शनैलिटी कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल इन नेचर बट मैनी ऑफ द प्रिंसिपल हैव फेल्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट इन सर्टेन सिचुएशन। कहता अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज तो बता दी लेकिन कई बार रिजल्ट निकल के नहीं आते हैं, जितना चीजें हम बताते हैं वो रिजल्ट नहीं निकल के आते, तो ये क्रिटिसिज्म पॉइंट हो गया। फंक्शनल थ्योरीज डिज नॉट कंसिडर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कहता एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। फंक्शनल में क्या है, सिर्फ अपनी कंपनी के फंक्शन बता दिए, उनको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बाहर जो वातावरण चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, उनको इग्नोर किया जाता है। फॉयल ऑफर ओवर एम्पेसिस द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ मैनेजमेंट, ही फेल्ट द मैनेजमेंट शुड बी फॉर्मली थॉट, ही डिड नॉट इलेबोरेट द नेचर ऑफ कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। फॉयल जो पर्सन है, कहता है हेनरी फॉयल जो है, वो मैनेजमेंट को कहता है, ये बोलता है कि फॉर्मली जैसे उसने खुद पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से वो बताता है, कहता लेकिन वो आज के टाइम में जो एजुकेशन चल रही है, जो चल रही है, उसको डील नहीं करता। मैनेजमेंट में एक्चुअल में क्या क्या और चीजें भी चेंजेस होनी चाहिए वो चीजें नहीं बताता है। फॉयल जो है अपने हिसाब से जो उसने मैनेजमेंट को टोट की मीन्स पढ़ा हुआ है वही अपने बताता है, तो ये भी उन्होंने क्रिटिसिज्म पॉइंट में ले लिया है। उसके बाद आपकी क्लासिकल जो थ्योरी है उसमें एक और पर्सन भी आता है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है बताई थी वो मैक्स वेबर एक पर्सन था, उसने 1864 से लेकर 1920 तक वो पर्सन रहा। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भेदभाव करना भी स्टार्ट कर दिया था। इस थ्योरी में उन्होंने बोलते थे भी अगर हम एज पर पर्सन को उसके काम के अकॉर्डिंग ना देखते हुए ब्यूरोक्रेसी करें, किस बंदे को आगे अथॉरिटी में किसको ज्यादा देनी है, फैमिली पर्सन पे ज्यादा आगे लेके आगे या रिलेशनशिप में आगे लेके आगे, वो काम स्टार्ट हो गया था। अगर ब्यूरोक्रेसी होने काम में जरूरी है, ये पर्सन यही बोलता था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यही आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर में डिस्क्रिप्शन को डिसाइड करना। वो हम क्या करते थे, जिस बंदे के साथ हमारा ज्यादा लगाव है उस बंदे को आगे बढ़ाना, जिस बंदे को हम पसंद नहीं करते उसको पीछे करना। वो बोलते थे कंपनी में ब्यूरोक्रेसी होना जरूरी है तो काम उतना ज्यादा हो सकता है। देख उन्होंने लिखा भी ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन से पॉइंट फॉलो। सबसे पहले रेशनल लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी कहता रैंक के हिसाब से दी गई थी, बिजनेस मेटेरियलिटी यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एज वन, जैसे गवर्नमेंट डिसाइड किया वैसे अथॉरिटी। हम सोचते थे कि अपने हिसाब से हमें अथॉरिटी सेट करनी नहीं, जो बिजनेस में कहता काम चलता है उसी हिसाब से चलने दो, जब गवर्नमेंट ने जो रूल सेटअप कर दिया वही हम कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन ऐसा करना जो एक बार रूल बन गए वही चलेंगे। ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब कि जो पहले से अथॉरिटी चली आ रही है, मान लो किसी मेंबर के पास अथॉरिटी है, वो मेंबर की अथॉरिटी आगे के आगे बढ़ेगी। जैसे हम बोलते हैं आज एक बंदा हमारे गांव में सरपंच है, अगला जो सरपंच बनेगा ना उसका लड़का ही बनेगा, अभी उसके बाद उसका लड़का बनेगा, कोई और बंदा नहीं बन सकता। सेम कंपनी में कोई बंदा मैनेजर्स है, उसका अगला ही बंदा ही जो आएगा वही खुद ही मैनेजर्स किसी वर्क को आएगा, हम नहीं किसी को मैनेजर बनना ही नहीं देंगे, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये ब्यूरोक्रेसी में चल रहा था। एक है चेयरमेटिक अथॉरिटी। चेयरमेटिक अथॉरिटी के मीन्स पर्सन जो है स्पेशल पावर्स के साथ, कोई बंदा हम कोई वोटिंग ना करवाएं, किसी का काम ना देखें, मैंने जिस पर्सन को बोल दिया भी मैं अपनी जगह पे इस पर्सन को चेयरपर्सन बनाना चाहता हूँ, तो वह अथॉरिटी उसके पास चले जाना है। ये ब्यूरोक्रेसी लेवल था। तो मैक्स वेबर बोलता था अगर ऐसा हम काम कंपनी में करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट जो है बेटर तरीके से चलेगा। ये क्लासिकल थ्योरी थी, मीन्स थ्योरी को गलत नहीं बोल सकते, उस टाइम पे जैसा काम चलता था उसी हिसाब से तो उन बंदे ने अपने हिसाब से स्टडी अकॉर्डिंग ऐसा बताया था। वो उसने भी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए वो सेम हेनरी फॉयल वाले ही बताए थे, इनको दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। मीन्स डिविजन ऑफ वर्क तो वैसे ही काम सारा वैसा होना चाहिए थे। क्रिटिसिज्म के सीधा हम करते हैं, सॉरी इसके ब्यूरोक्रेसी क्रिटिसिज्म करते हैं, मीन्स इसके उलट प्रभाव क्या थे या फिर उसको कहां पे गलत समझा जाता था ब्यूरोक्रेसी में। इन्होंने कुछ इट इज नो नॉट फ्री ऑफ फ्लॉज, इट मे बी लीड टू मैनी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। हम कहता इसको ये नहीं बोल सकते ये फ्री ऑफ माइंड है, जो रूल्स ने बनाए थे बिल्कुल सही बनाए थे, कुछ पॉइंट्स हैं कहता अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ ऐसे भी सिट्टे निकल के आए उसके जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले लिखा रूल्स मे बी फॉलोड इन लेटर इन नॉट इन स्पिरिट। जो भी रूल्स इस बंदे ने बताए थे हो सकता है कहता कागजों में चलते हों लेकिन एक्चुअल में स्पीड में ये रूल कभी भी नहीं चलेंगे। आज के टाइम में कहां चलते हैं रूल्स, नहीं चलते हैं ये रूल्स, पहले कागजों में ही बने हुए हैं जो इन्होंने बताए। किसी भी कंपनी में आज ये काम नहीं चलता, ब्यूरोक्रेसी कभी भी नहीं है किसी कंपनी में, हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटीज मिलती है आगे आने के लिए। ब्यूरोक्रेसी डज नॉट कंसिडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज। ब्यूरोक्रेसी जो है कहता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और हर एक बंदे के जो इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज हैं उनको इग्नोर करती है, इसलिए कहता है गलत है, क्योंकि इनफॉर्मल का मतलब होता है भी रूल्स जो है अपने हिसाब से बनने चाहिए, फॉर्मल होता है भी कंपनी ने खुद बना दी तो इन चीजों को आगे फॉलो नहीं किया जाता। ब्यूरोक्रेसी में डिस्करेज इनोवेशन बिकॉज इम्प्लॉय इज सपोज टू एक्ट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड
सेकेंडरी गोल्स। ब्यूरोक्रेसी में क्या था भी, इम्प्लॉयज के जो अपने गोल्स जो सेकेंडरी गोल्स इम्प्लॉयज के होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, सिर्फ कंपनी के लिए ही काम किया जाता है। गोल डिस्प्लेसमेंट में भी टेकन इन प्लेस ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन द ब्यूरोक्रेसी गिव प्रायोरिटी टू रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेकेंडरी गोल्स। ब्यूरोक्रेसी में क्या था, सिर्फ प्रायोरिटी कंपनी के रूल को ही दी जाती थी, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है या फिर गोल्स हैं उनको साइड में रखा जाता था। ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर इज टॉल कंसिस्टिंग दी सेवरल लेयर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, द कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू लेवल लोएस्ट लेवल मेक एवरी लॉन्ग टाइम। ब्यूरोक्रेसी में क्या था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना टॉप लेवल से बन के आते थे, नीचे तक उनका फायदा पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। अपनी कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में जो रूल्स बनते हैं वो सबको इक्वल बना देते हैं, लेबर्स को सबसे पहले बताया जाता है भी आपके फायदे नुकसान यहाँ पे हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इस बेस पे बढ़ सकते हो। सभी काम में जैसे कंपटीशन लेवल बहुत है, पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था ना, पहले कंपनीज ही बहुत कम होती थी तो मैनेजमेंट उसी हिसाब से चलता था, उस टाइम पे प्रॉफिट ज्यादा देखा जाता था। आज के टाइम में कंपनी सोचती है कि प्रॉफिट तभी होगा अगर एम्प्लॉयज को प्रॉफिट मिल रहा है, तो एम्प्लॉयज को पहले ही प्रॉफिट दिया जाता है, मीन्स उनको इंसेंटिव या किसी बेस पे काम करवाते हैं। अप्राइसल ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में जितने भी पर्सन ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बताया उनके कुछ फायदे हैं, मीन्स क्या प्रशंसा उन्होंने बताई। सबसे पहले नैरो व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका व्यू जो है बिल्कुल नैरो है, बहुत ही छोटे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया, क्योंकि उस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन कम थी, सिर्फ फायदे में ही देखा जाता था। एक पॉइंट उन्होंने अप्राइजल में ये लिख दिया कि क्लासिकल थ्योरी के ये फायदे थे। दूसरा, अजम्पशन ऑफ क्लोज सिस्टम, हमेशा ये समझा जाता था कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है, गवर्नमेंट वातावरण कुछ भी चेंज हो रहा है उसका कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, जो भी पर्सन हमारे साथ काम करते थे उनके लिए हमेशा सिर्फ अंदाजा ही लगाया जाता था, वो सोचते थे कि ये बंदे सिर्फ कंपनी में पैसे कमाने के लिए आए हैं, इनको पैसा देते चले जब भी आपके लिए काम करते चले जाएंगे। इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स एज मेन मोटिवेटर्स, क्लासिकल थ्योरी में जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स है जो पैसा देना वही उनको मेन मोटिवेटर समझा जाता था, मीन्स उसको उसके अहदे से आगे ना बढ़ाना, ये हमेशा सोचते थे कि सिर्फ पैसे के लिए आए हैं पैसा दो काम करेंगे। लैक ऑफ एम्पेरियल वेरिफिकेशन, हमारी कंपनी में जो वेरिफिकेशन बोल सी थी या फिर वर्टिकल लाइजेंस था वो बहुत कम था, एक बंदे को उसकी जगह से उठाना या दूसरी जगह पहुंचाना ये बहुत कम होता था। ब्यूरोक्रेसी लेवल ज्यादा था, हर एक बंदे ने जो रूल बना दिया उसके अकॉर्डिंग ही काम चलता था। लैक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल या रूल्स बनते थे उनकी यूनिवर्सिटी नहीं थी, रूल्स बन जाते थे लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता था। एक्सेसिव एम्फेसिस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ज्यादातर जो प्रभाव डाला जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ही डाला जाता था। तो ये थी आपकी क्लासिकल थ्योरी।